सबसे पहले तो मैं एकेडमी के प्रेसिडेंट श्री धनंजय मुसारी को जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया, वर्कशॉप चलाया, और यहाँ पर मुझे देखने का मौका मिला है कि जो नया म्यूजिक है वो तो सिखा ही रहे हैं, साथ में जो क्लासिकल म्यूजिक है जिसको इंटरेस्ट कम होता जा रहा है बच्चों में के अंदर में, लोगों के अंदर में, उसमें भी वो भाग ले रहे हैं और पूरी तरह निष्ठा से, छात्र हैं या बड़े हैं, वो पूरी निष्ठा से अपना कार्य कर रहे हैं और उसको सीख रहे हैं और उसको बचाने की एक कोशिश की जा रही है राग म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। ये बधाई के पात्र हैं इसमें, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इस बारे में। म्यूजिक के बारे में हम बहुत कुछ मिल जाए, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इसके बारे में? म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक तो एक ऐसा फूल है जो एक जगह खिलता है लेकिन उसकी खुशबू कोई रोक नहीं सकता, कोई सीमाएं उसको बांध नहीं सकती, कोई बॉर्डर उसको रोक नहीं सकता है, कोई सैनिक उसको रोक नहीं सकता है, बल्कि ये खुशबू हर जगह जाती है और हर जगह एक अच्छा संदेश लाती है। चिकित्सा में भी डॉक्टर भी इस म्यूजिक को सुनने की कई बार सलाह देते हैं, दुख हुआ तो म्यूजिक सुन लीजिए, जोश आना है तो म्यूजिक सुन लीजिए, कुछ अच्छा गाना सुन लीजिए, जिससे आपको बहुत सहायता मिलती है। और कभी कभी हम खुद भी गुनगुनाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर में कभी मूड पे, तो उसमें बहुत म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान है। और फिल्मों में देखिए, कोई भी फिल्म बिना म्यूजिक के बनती नहीं है, चाहे कोई भी फिल्म हो उसमें म्यूजिक का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, और आम जिंदगी में भी एक म्यूजिक का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। और ये राग म्यूजिक एकेडमी भली भांति से इस रूरल एरिया के अंदर में कार्य कर रही है, इसके लिए मैं उनको दोबारा से धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद।